हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज चीज़ सैंडविच। तो वेज चीज़ सैंडविच के लिए मैंने ली है खीरा, उबला हुआ आलू, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। अब हम इसे सबसे पहले कढ़ाई में फ्राई करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे करीब 2 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे हमारी सब्जियां। सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल दीजिए। हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस करीब 1/2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। गैस हमने तेज कर दी है। नमक, काली मिर्च और ओरिगैनो। तो हम इसे फ्राई करेंगे और करीब 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है। 1 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। सैंडविच की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चटनी को स्प्रेड करना है। और दूसरी ब्रेड पर हम मलाई लगा देंगे। आप चाहे तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। फिर हमारी ये फ्राई की हुई सब्जियां चीज़, आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉस, फिर से चटनी, मलाई, वेजिटेबल्स, सॉस और चीज। अब हम इसे तवे पर फ्राई करेंगे। आप चाहे तो अपने टोस्टर में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे बटर। हमारी सैंडविच रेडी है। अब हम इसको तवे पर अच्छे से सेक लेंगे। पैन हॉट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सैंडविच। मीडियम फ्लेम। दोनों साइड बटर लगा दिया था। हम इसे पलटेंगे और पिंक होने तक रोस्ट करेंगे। नीचे से भी यह अच्छे से सिक गई है और हम इसे निकालेंगे। गैस ऑफ किया। फ्रेंड्स, हमारी वेज चीज़ी सैंडविच रेडी है।